इसलिए फुटेज को देखना। एक लोकल न्यूज चैनल लगातार हमारे एयरबेस का फुटेज दिखा रहा है। न्यूज से ज्यादा बैकग्राउंड पर ध्यान देना। जी हाँ, इस वक्त हम पुणे एयरबेस के ठीक आगे खड़े हैं, जहाँ की कल रात से यहाँ पे हाई अलर्ट घोषित किया गया है। जिस अज्ञात ईमेल से हमें एक खास खबर मिली है, उसमें लिखा है कि कल रात एयरफोर्स से एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन चोरी हुई है। उस अज्ञात ईमेल में ये भी लिखा गया है कि वो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स के एक बहुत ही खुफिया मिशन के बारे में थी, जो बड़ी मुश्किल के बाद हासिल की गई थी। यहाँ एक तरह की इमरजेंसी लगा दी गई है। मैं फुटेज रिवाइंड करती हूँ, ध्यान से देखना। हमें वीर सर को बुलाना चाहिए। ऐसी कौन सी बात होगी जो इस वक्त तुमने मुझे यहाँ बुलाया? Oh, God, I can see the rest of the hawks here. Yeah. ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? Tell me. सर, हमें कुछ पता चला सीरीज के बारे में। क्या पता चला? एक न्यूज चैनल पर हमारे एयरबेस की फुटेज दिखा रहे थे, उसमें मैंने देखा कि Tell me fast. सर, इस रात किसी को भी बिना बताए ईशा बेस पर आई थी। ईशा? ईशा हॉलिडे पे? शी इज नॉट हियर। न्यूज चैनल से वो फुटेज मिलने के बाद जब मैंने पिक्चर को मैग्नीफाई किया तो ईशा का चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। आप ही देख लीजिए। फरहान सर, ईशा को फोन करो। Not reachable, sir. उसके घर पर फोन कर। सर, हेलो, या जी, मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट ईशा से बात कर सकता हूँ? वो तो जी अपने घर में एयरबेस से आई नहीं है, 2 महीने पहले आई थी, उसके बाद नहीं आई। हेलो, हाँ क्या क्या हुआ शिखा? हाँ, जस्ट सेक, अभी सुनैना का फोन है, वो कह रही है कि शिखा तुम्हारे साथ थी। जी, शिखा का फोन नहीं लग रहा है। जल्दी आना। नहीं आया तो? नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूँगी। क्यों मैट? Excuse me. Sorry. यहाँ पे एक लड़की बैठी थी मेरे साथ, वो कहाँ बैठी? Excuse me. यहाँ पे जो लड़की मेरे साथ बैठी थी ब्लैक ड्रेस में छोटे बाल, वो देखा उसे आपने? पता नहीं सर। वो जो लेडी मेरे साथ यहाँ बैठी थी मेरे टेबल पे, वो? हाँ सर, वो यही थी, पर पता नहीं कुछ देर पहले वो कहाँ निकल गई।
तुम नहीं आए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, वही करने जा रही हूँ। तुम पता नहीं मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन आई लव यू एंड गुड बाय। अभी शिखा का कुछ पता चला अभी? नहीं सर, मैं तो यहाँ पे हूँ लेकिन वो नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? सुनैना की हालत चिंता से बहुत खराब हो रही है, अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है। अभी सर मैंने देखा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। तुम वहीं उसे आसपास ढूंढने की कोशिश करो, मैं अभी पहुंचता हूं। जी सर। एक्सक्यूज मी। जी सर। यहां पे मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, ब्लैक ड्रेस में, छोटे से बाल। जाने से पहले कुछ कहो ना। आई एम सॉरी। शिखा कहाँ हो तुम? मैं कहाँ, कैसी हूँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अभी? शिखा प्लीज। अगर वाकई तुम्हें फर्क पड़ता तो तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जाते। शिखा देखो, तुम मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी वहां पे आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है अभी मुझसे मिलने की, मुझसे बात करने की, मेरे करीब आने की कोई जरूरत नहीं है। शिखा देखो, मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हें बताना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। जस्ट टेल मी, मैं अभी आता हूँ। तुम्हें तो जाना ही नहीं चाहिए था ना। मैंने 2 घंटे तुम्हारा इंतजार किया, तुम नहीं आए। अच्छा देखो, मेरी बात समीरा। यस सर। मुझे रेस्टोरेंट तक छोड़ दो। लेकिन सर बात क्या है? आई विल टेल यू लेटर। तुमने बहुत देर कर दी अभी, ज्यादा इंतजार तुम्हारा नहीं कर सकती। शिखा देखो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज भी क्यों हुआ? शिखा देखो प्लीज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, गलती हो गई ना, आज के बाद नहीं होगा ऐसे, प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो। नहीं अभी। शिखा देखो, मुझे जरूरी काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं जाता। यही तो फर्क है ना अभी, मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है, और तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारा देश। तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती अभी। शिखा तुम मुझ पे बोझ नहीं हो, ओके? आई रियली केयर फॉर यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दूर तक फैला हुआ आसमान, मुझे अपनी ओर बुलाए, इस जान से, ख्वाबों के उस जान में। शिखा फॉर गॉड्स सेक, पहले मुझ बुझाओ और मुझे बोलो तुम किस कहां पे हो, मैं वहां पहुंचता हूँ। अपना ख्याल रखना। शिखा मेरी बात ठीक? आसमान शोर करती चिड़िया, पता नहीं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। ये तो वही लाइनें हैं जो उसके स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए मैंने लिखी हुई थी। This is small poem. क्या मतलब? Oh my God! ये तो वही पोएम है जो जब हम टाइगर टॉप के क्लिप पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे तब मैंने लिखी हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसी टाइगर टॉप पर है।
मेरी गलती, मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, इसलिए तो हर्ट होती हूँ। I'm sorry अभी, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना, मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, जिंदगी से चली जाऊंगी। ये जो नाम मेरे बचपन में लिखा था ना, वो मैं खत्म कर दूंगी। मैं अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ खत्म कर दूंगी मैं। अगर अगर मुझे तुमसे प्यार करने का हक नहीं है, तो मुझे जीने का भी तो कोई हक नहीं है। बचपना मत करो, देखो वापस आ जाओ। शिखा, शिखा देखो वहां से हिलना मत, तुम प्लीज। मैं कूद जाऊंगी, आई प्रॉमिस, आई विल जंप। ओके, देखो वापस आ जाओ। शिखा, क्यों वापस आऊं मैं? किसके लिए वापस आऊं मैं? हाँ, तुम लोग मुझसे प्यार नहीं करते हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। शिखा ऐसा नहीं है, देखो मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शिखा, झूठ झूठ बोल रहे हो तुम लोग। शिखा, शिखा देखो अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ, प्लीज जरा सोचो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी मॉम का क्या होगा, मेरा क्या होगा, हम दोनों का क्या होगा, प्लीज। अगर तुम आगे बढ़े ना, मैं टूट जाऊंगी, तुम आगे मत बढ़ना, मैं बता रही हूँ। चलो यहां से। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम मुझसे दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें लेके कूद जाऊंगी। यू लास्ट बी डेड। शिखा संभालो अपने आप, ये पागलपन छोड़ो और चलो यहाँ से। किन के लिए जाओ मैं? हाँ, इन लोगों के लिए, जिन लोगों को तुम यहाँ पे देख रही हो ना, वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझसे आप वहीं पर है। शिखा ऐसा नहीं है। नहीं शिखा, तुम गलत सोच रही हो, ये सब तुमसे प्यार करते, चलो यहाँ से। तुम कैसे बोल, तुम क्या जानो, तुम्हारी लाइफ में तो कोई नहीं है ना।
अभी जैसा कोई मुझसे पूछो, ये लोग वहां पे हैं मगर इनमें से कोई मुझे प्यार नहीं करता। शिखा देखो, तुम जो बोल रही हो सब सही है। आई अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन कोई नहीं समझ सकता, तुम नहीं समझ सकते, कोई भी नहीं समझ सकता है। शिखा ऐसा नहीं है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज तुम छोड़ दो। लेट्स जस्ट गो। Hold on!